त्रि शिवाय नमस्तुभय। हर हर महादेव। आप लोग कैसे हैं? जैसा कि आप सबको पता है, आज 25 मार्च है और आज नवरात्रि का चौथा दिन है। तो आज मैं आपको एक बहुत ही अचूक उपाय बताऊंगा, जिस उपाय को आप लौंग और कपूर से कर सकते हैं। गुरुदेव की कथा को सुनकर पूरा समझाने का प्रयास करूंगा। और जो जो लोग हमारी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, वो लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लोग हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपकी कोई मनोकामना है या फिर कामना है कभी भी पूरी नहीं हो रही है, आप लोग प्रदोष काल में उपाय कर लिए फिर भी आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो आपको इस छोटे से सुंदर से उपाय को करना चाहिए। केवल आपको 2 लौंग और 1 कपूर से उपाय करना है, जीवन के सारे संकट को दूर कर देगी। देखिए, ये जो नवरात्रि है, इस नवरात्रि में लोग तंत्र मंत्र विद्या से साधना की जाती है, लेकिन हम कोई तांत्रिक तो है नहीं, इसलिए हमें कोई साधारण ही बिल्कुल सरलता पूर्वक हमें माता रानी की आराधना करनी चाहिए। नवरात्रि की रात्रि में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों शक्तियां हमारे ऊपर हावी रहती है, तो ध्यान रखें, अगर हम माता रानी के दिव्य आराधना करते हैं ऐसे में हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन नवरात्रि के 9 दिन माँ आदिशक्ति दुर्गा की उपासना के लिए बहुत ही खास दिन माने जाते हैं। इन्हीं 9 दिनों में आपको 2 लौंग और 1 कपूर को यहाँ पर उपाय करना है। उपाय कैसे करना है, चलिए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आप एक लाल कपड़ा लेंगे, लाल कपड़ा लेकर के आप कहीं पर बिछा देंगे और बिछा करके उस लाल कपड़े के ऊपर आपको माता रानी की एक फ़ोटो लगाना है। क्या करना है, लाल कपड़े को बिछाना है और बिछाने के बाद आपको माता रानी की फ़ोटो लगाना है। अब जैसे मान लीजिए बहुत से लोगों के पास माता रानी की फ़ोटो नहीं है, यानी कि दुर्गा माँ का फ़ोटो नहीं है, तो आपको क्या करना है, कुल देवी की फ़ोटो आप वहाँ पर लगा सकते हैं। अब आपने यहाँ पर फ़ोटो को लगा लिया, अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर हल्दी और कुमकुम से आपको तिलक करना है, माता रानी की आपको तिलक करना है। और उसके बाद आपको उनकी फ़ोटो पर थोड़े से चावल यानी कि अक्षत आपको डाल देना है। अब इतना करने के बाद आपको माता रानी को भोग लगाना है। देखिए आप भोग में क्या लगा सकते हैं, मान लीजिए आपके पास बताशा है तो आप बताशा का भोग लगा सकते हैं, उसके बाद आप गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन ये जो बताशा है ये माता रानी को बहुत ही प्रिय होता है, तो आप चाहिए तो आप यहाँ पर बताशा का ही भोग लगाएं। अब मान लीजिए आपने भोग लगा दिया है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर माता रानी के जो चरण हैं आपको यहाँ पर 2 लौंग रख देना है, जो आपने लौंग लिया था उस लौंग को आपको रख देना है। और इस उपाय को आप रात्रि में करेंगे, यानी कि रात के समय करेंगे, सूर्यास्त के बाद ही आप इस क्रिया को करेंगे। और जब भी आप इस उपाय को करेंगे तो आपके घर का जो मुख्य द्वार होता है वह खुला होना चाहिए। अब देखिए खुले रखने का मतलब क्या है, जैसे कि जो सकारात्मक शक्तियाँ होती है, जो देवी शक्ति होती है, वह आपके घर में आ जाए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे मंत्र का 108 बार जाप करना है। आपके घर में अगर कुल देवी का भी मंत्र है तो आप कुल देवी का मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। अब ये सब करने के बाद आपको एक दीपक लेना है, देखिए दीपक आपको लेना है, उसके अंदर आपको एक कपूर डालना है और यह जो आपने 2 लौंग लिया है आपको इसे उठाना है, ठीक है। ये जो 2 लौंग लिए हैं आप इसे उठा लीजिए अपने हाथों में, आप अपना हाथ सीधा करिए, आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी परेशानी है वो आप बोल देना। उसके बाद ध्यान रखना आपको क्या करना है, आपको कपूर के अंदर भी थोड़ा सा घी डुबोकर निकाल लेना है, यानी कि कपूर में आपको थोड़ा सा घी डुबोकर निकालना है। उसके बाद यह जो लौंग है इन्हें भी आपको घी में डुबोकर निकाल देना है। उसके बाद यह जो 2 लौंग है इसके ऊपर रखना है, देखिए सबसे ऊपर जो नीचे होगा वो कपूर होगा, उसके ऊपर आपको लौंग को रख देना है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसे प्रज्वलित करेंगे, यानी कि आपको कपूर को जला देना है। अब देखिए कपूर अगर नहीं जल रहा है तो आप हल्का सा घी या फिर कपूर उसके ऊपर रख सकते हैं, ताकि यहाँ पर जो दीपक है प्रज्वलित हो जाए, ठीक है। आपको इतना ही उपाय करना है और हो सके तो आप इस दीपक के सहारे ही माता रानी दुर्गा जी का आप आरती कर सकते हैं और आपकी जो भी मनोकामना होगी वह जल्द से जल्द
परिपूर्ण हो जाएगी। लेकिन यह जो उपाय है आपको लगातार 9 दिन तक करना होगा। बड़े ही शक्ति भाव से आपको यह उपाय करना है। अगर आपको इस उपाय में कुछ भी समझ ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आप कोई भी गलती नहीं करेंगे। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए मिलते हैं और ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय बागेश्वर धाम, जय श्री राम, जय माता दी।